दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो डिस्ट्रिक्ट 2 अक्टूबर 1973 में पूर्णिया जिले से अलग होकर बना था, साथ में ये जिला इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है जिसका नाम कटिहार जंक्शन है, वो इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जोड़ता है। सिलीगुड़ी के पास वाला ये शहर अपना मेजर लोकेशन की वजह से ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार के ईस्टर्न पार्ट में है और यह पूर्णिया डिवीजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि पहले यह शहर पूर्णिया जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे 1973 में अलग कर एक जिला बना दिया गया। इस जिले का नाम दीघा कटिहार के नाम पर पड़ा और यह जिला अपने बॉर्डर पूर्णिया जिले के साथ साथ झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ साझा करता है। और यहाँ पर एयरपोर्ट की बात करें तो नज़दीकी एयरपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट है, जो कि पूर्णिया से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ कमर्शियल प्लेन उड़ान नहीं भरता है। कमर्शियल एयरपोर्ट की बात करें तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के पास आता है पकदोगरा एयरपोर्ट, जो कि सिलीगुड़ी के पास में है और वो कटिहार से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों जब बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ था तब कटिहार शहर बंगाल का एक पार्ट हुआ करता था, इसलिए कटिहार के बहुत संख्यक लोग अभी भी बंगाली में बात करते हैं। और अगर कटिहार का प्रमुख नदियों की बात किया जाए तो उनमें सबसे पहले आएगा गंगा नदी, उसके बाद महानंदा नदी, फिर कोसी और रिहा नदी। और गंगा नदी के तट पर बसा यह शहर में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन देखने को मिलता है, फिर मुस्लिम, फिर अदर कम्युनिटी। और साथ में 30,31,000 के पॉपुलेशन वाला शहर में मैथिली, सूरजपुरी, बंगाली भाषा बोली जाती है। और दोस्तों इस शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर हम बिहार की राजधानी पटना से कटिहार तक की दूरी को देखें तो ये 390 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से कटिहार तक की दूरी 1375 किलोमीटर के आसपास आता है। और यह शहर बिहार के पॉपुलेशन के हिसाब से 14th रैंक पर आता है और एरिया के हिसाब से 12th रैंक पर आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आप अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो सफ़र बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना शहर का नाम ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।